more videos, please subscribe, like and share. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. आइए सुनते हैं तुलसी विवाह का सरल तरीका, इसे घर पर कैसे आसान विधि से व्यवस्थित किया जाए। शाम के समय सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं। तुलसी का पौधा एक पट्टिये पर या एक पटरी पर, चौकी पर, आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में सालीग्राम जी रखें, उनकी कोई तस्वीर या फिर कोई मूर्ति। सालीग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाते, इस बात का ध्यान रखना है। उन पर तिल चढ़ाई जा सकती है। तुलसी और सालीग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। इसके बाद गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजा करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वह अवश्य करें या फिर सुने। देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठावनी एकादशी जो होती है, उससे कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है। अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है, वो लेकर आए। कपूर से आरती करें। तुलसी की आरती जो है वो कपूर से करें। इसके पश्चात प्रसाद चढ़ाएं, फिर 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें, फिर प्रसाद सब में बांट दें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से उस पटरी को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें। इसके पश्चात मां तुलसी से उन्हीं की तरह पवित्रता का वरदान मांगें। इसी सब बातों का ध्यान रख के तुलसी विवाह की For more videos, please subscribe, like and share. आपकी सभी मनोरथ, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और तुलसी विवाह बहुत अच्छे से संपूर्ण हो। जय श्री हरि। तुलसी विवाह।